सत श्री अकाल डॉक्टर संतोख सिंह चंडीगढ़ तो अज मैं फिर पेश होया तुहाडे सामने तुहानूं मैं समझावांगा कि शरीर दे विच कोई भी नुक्स पैंदा है किसी भी पासे नुक्स पैंदा है हार्ट किडनी दे विच कोई नुक्स पैंदा है या लीवर च कोई नुक्स पैंदा है या कोई फंगस इनफेक्शन हुंदी है ओहदी जिहड़ी मार्किंग है ओहदी जिहड़ी लक्षण ने ओह साडे जबान ते अख ते चमड़ी ते नोह ते दिखदे ने। तो मैं जनरल अवेयरनेस वास्ते वीडियो बना रहा है कि तुसीं अपने अख ते नक अपने जीभ ते चमड़ी ते नाखून नूं देख के बीमारी डिटेक्ट कर सकते हो शक कर सकते हो शक करके डॉक्टर कोल जा सकते हो कि डॉक्टर साहब ये चीज मैनूं हैगी है इहदा तुसीं टेस्ट करवाओ ये देखो ये है कि नहीं। ये जस्ट एक सिग्नल है कोई साड़ी बॉडी प्रॉब्लम आती है सानूं बॉडी सिग्नल दिंदी है किथे दिंदी है दोबारा बोल रहे हैं आईज टंग स्किन नेल्स हेयर से भी दिंदी है बाद समझा पूरा। अज आप गल करते हैं नाखून की। नाखून बहुत कुछ दसदा है साड़ी डेफिशिएंसी के बारे में साड़ी हार्ट प्रॉब्लम जिन्हों किडनी की प्रॉब्लम हैगी है सानू केड़े पोषक तत्व की कमी हैगी है वह नाखून देख के तुसी जज कर सकते हो। मैं साइंस के जेडे औखे औखे टेढ़े मेढे अखरों नू मैं पंजाबी दे सौखे अखरों में परो के तुहानू समझावांगा अज घट तो घट मैं तुहानू 11 तरीके से नाखून दसांगा 11 तरीके से शॉर्ट दे विच कि मैं तुहानू दिखाऊंगा वीडियो भी नाल तुसी ओ देखो अपने नाखून नाल मैच करो अगर मैच करता है वो जो चीज मैं बोली है वो तुसी अब डॉक्टर नाल कंसल्ट करके ओदा टेस्ट करवाओ उन्हूं कहो कि ये देखे मैनू की प्रॉब्लम तो नहीं हैगी अगर नहीं हैगी है छड़ दो अगर हैगी है इलाज करा लो अगर नहीं हैगी है ध्यान रखो वो अज नहीं तां कल हो सकती है ये सानू पढ़ाया गया साइंस दे विच ठीक है जी। अब पहली गल शुरू करते हैं अपने नाखून जिहड़े हैगे है हॉरिजोंटल कट पैना ये हुंदी है विटामिन बी वन इसे C12H17N4OS सी कार्बन हो गया एच हाइड्रोजन होगी एन नाइट्रोजन हो गया ते एस सल्फर होगी ते ये शब्द है बन के एक बंदा विटामिन B1 बहुत ही ज्यादा लोग इसकी कमी ना पाए जाते हैं पकड़े नहीं जाते उसका सौखा तरीका पकड़न का की है मैं तुहानू दिखाना है आ देखो ये जेडे नाखून हैगे ने इहदे विच हॉरिजोंटल लाइना पईआं होईआं है जिस भी मतलब पंजाबियां दे अपने जिस भी मरीज दे जिस भी बंदे दे लाइना पईआं होईआं ने ये B1 दी डेफिशिएंसी हैगी है B1 दे नाल बैरी बैरी हुंदा है बैरी बैरी विच बहुत कुछ हुंदा है बैरी बैरी दे विच अखां भी टड्डियां हो जांदियां ने मतलब एंजाइटी स्ट्रेस एंड ऑल दैट आईज क्रॉस हो जाती है पर आप नाखून पकड़ना है नाखून दे विच ए असर पैंदा है दोबारा दिखा दो एक बारी कि ए देखो साफ तुहानू दिख रहा है कि वर्टिकल लाइनस हैगियां ठीक है जी। हुण आपां गल करांगे जिहड़े नोह चिट्टे हो जांदे हैं उहनूं कहिंदे ने ल्यूकोनाइकिया ए नाखून थोड़ा चिट्टा हुंदा है किसी दा पूरा हो जांदा है ठीक है जी। एक किसी किसान के माड़े माड़े चिट्टे चिट्टे दाग होंगे ने अगले दसूंगा पॉइंट दे विच आपां गल करदे हां चिट्टे नाखून की जिहदे च काफ़ी ज़्यादा चिट्टा हो जाता है तो पूरा भी हो जाता है तो तुसीं इह वीडियो देखो तुसीं इह देखो आ देखो आ नाखून हैगे ने इहदे देखो उपरला हिस्सा जिहड़ा क्रिटिकल हुंदा है ये वध गया अगे तक आ गया ये एक आ कंडीशन हुंदी है एक कंडीशन हुंदी है आ वाली बिल्कुल चिट्टा हो गया जिहड़ा बिल्कुल चिट्टा हो गया इहदे विच कई हार्ट दियां प्रॉब्लमां कई प्रोटीन डेफिशेंसीज करके चीज़ां हुंदियां ने इहदे विच मतलब कि आपां नूं हार्ट ते प्रोटीन ते खास ध्यान देना है जिहड़े लीवर दे उत्ते भी जिहड़ा आपां खास टेस्टिंग करनी है जिहदे अपने नाखून जिहड़े हैगे ने इह चिट्टे हैगे ने इह बहुत कुछ सानूं शो करदे ने ते इह आपां इहदे वास्ते अपने टेस्टिंग करवाइए ते तुहानूं कोई क्वेश्चन होएगा मैनूं इनबॉक्स कर देना मैं जवाब देने की कोशिश करांगा तुहानूं ठीक है जी। आपां उस तों गल करदे हां उस तों बाद तीजी चीज़ की जिहड़ा अपना तीजा नाखून जिहड़ा हुंदा ना पीला नाखून पीला भी हुंदा है यह भी देखो जी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जे ज्यादा स्मोक करते हैं जिन्हानू सरोसिस हैगी है सरोसिस ऑटोइम्यून डिजीज हैगी है जिन्हानू ऑटोइम्यून डिजीज हैगी है उन्हानू भी ये हो सकता है थायराइड वाले बंदे भी हो सकता है ये जिन्हानू ये प्रॉब्लम आ रही है वो अपना स्मोकिंग छड़ देन ते फंगल दी चेकिंग करवान ते सरोसिस ऑटोइम्यून डिजीज हैगी है पीले नाखून नहीं होंगे
पीले नाखून आप पीलिया नहीं मनना, ये पीले नाखून है, चमड़ी पीली नहीं हैगी साड़ी, तो ये थायराइड प्रॉब्लम के नाल भी पीले हो जाते हैं, वह टैसट करवा लेना अपना। तो उस तो बाद आप दिखाने तुहानू अगली चीज़ जिहड़े हैगे नीले नाखून, हाँ देखो ये साइनोसिस कहिंदे आ, ऑक्सीजन की कमी होना, ठंडी जगह पर हाथ पैर रखना, या जिन्हें ऑक्सीजन की अस्थमा हैगा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हैगी है, जिन्हां दे खून दे विच ऑक्सीजन की कमी हैगी है, उन्हां दे नाखून जिहड़े हैगे आ उह नीले हो जांदे आ, ते ऑक्सीजन की कमी करके नीले हो जांदे आ, या आपां ठंडी थां ते पैर रखांगे नाखून साढ़े नीले हो जांदे ने, आपां इह नॉर्मल चीज़ां नाल नीले हुंदे ने, ते इह वी जिहड़े बंदे नूं नाखून नीले हो रहे हैं, खून च ऑक्सीजन की कमी हैगी है, कमी किस तरह हुंदी है, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज दे नाल, सीओपीडी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज दे नाल खून च ऑक्सीजन नहीं आ रही, वो अपने जांच करवा सकते हैं चीजा। अच्छा उस तो बाद दिखाना है कि रिपल नेल्स, मतलब कि जो होंगे ना स्टेट से लेना पैदा है, हाँ देखो इस तरह पैदा उपर एरिया आ लेना है ना, यह शो कर दिया है कि तोड़े स्किन दे विच, तोड़ी त्वचा दे विच विटामिन सी की कमी हैगी है, डरमाटाइटिस, डरमा मीनस स्किन, सिखो थोड़े अंग्रेजी का अखर, डरमा मीनस स्किन, डरमा डरमाटाइटिस उदे इनफ्लामेशन, कोई स्किन का रोग हैगा उस स्किन का रोग ठीक कराओ, नाखून आपे ठीक हो जाएंगे। उस तो बाद तुहानू मैं सुनाना हूँ अगली चीज जिहड़ी हैगी है, आपां नाखून टुट जाते हैं, जिहड़े आपे टुट जाते, देखे ना क्रैक पी जाते हैं लोगों के, भैन जी मेरे नाखून टुट गए, देखो मैंने कद क्रैक ए पै जाएगा, कभी ए पै जाएगा, उन्होंने कहते हैं आप बिटर नेल्स, है ना, ये आ देखो ये जी चीज होंगी ना, तीन चीजें डेफिशिएंसी है, एक हैगी है बायोटिन की, एक जिंक की, एक अमाइनो एसिड की, एक हैगी है बायोटिन, बायोटिन मिलता है ग्रीन चीजा तो, बायोटिन मिलता है ब्रोकली तो बायोटिन दी गोलियां भी मिलती हैं, बायोटिन ये सब न्यूट्रासूटिकल चीजा है, तो जिंक, जिंक ड्राई फ्रूट्स तो मिलता, तो अमाइनो एसिड प्रोटीन का जरा, प्रोटीन का जरा पार्ट है, कई प्रोटीन घट खाते ने उन्होंने भी नाखून टुटते ने, जे नाखून बनते ने दे आर मेड फ्रॉम कैलोजन वन नॉट टू, ये मिनिस्कस नहीं है, नाखून है, नाखून बाल स्किन की जी तड़ हैगी है, नाखून तड़ बाल की तड़, तो स्किन की तड़ ये हैगी है कैलोजन वन दैट इज मेड फ्रॉम बायोटिन जिंक एंड अमीनो एसिड्स दे विच। तो तुम ये तुम प्रॉब्लम आती है तो मैं इनबॉक्स करना तुम जवाब दे दंगा। आप अगली गल करनी है कि जरा नेल ही काला हो गया थोड़ा जहा पार्ट, देखो तुम दिखाना, हाँ देखो बिल्कुल लाइन काली होगी सेंटर के, बाकी नेल ठीक है ये काली होगी। जे आ बंदे है ना ये डॉक्टर को पक्का जान, स्किन वाले को जान, स्किन की बायोप्सी होगी, जरा तुम काली चीज माड़ी होंगी है, काला नाखून एक सेंटर च लाइन आनी गलत होंगी है, ये स्किन वाले को जान, वो स्किन की बायोप्सी करके चेक करेगा तो की चीजा होर हो सकती है ने। अच्छा एक अपनी गल गल दसदा अगली, जे बच्चे देखे बच्चे अजकल पढ़ते हैं सारे नोक खा देते हैं, नेल कटर की लोड़ ही नहीं, नेल कटर से जंग लग रहा नाखून खा लेंगे मूँह के नाल, तो च्यूइंग करते हैं, आ तो मैं दिखाना, आ लो जी अक्सर बच्चे जो पढ़ते हैं ज्यादा पढ़ते हैं उन्होंने होंगे हर घर च पाए जाएंगे, मेरी वीडियो ही ताई होंगी है कि मैं वो चीज़ बोलता जो आम लोग फेस करते हैं, तुम्हें समझ नहीं लगता कि यह हो ही रहा, नेल सब कुछ दसद, शकल सब कुछ दसदी है, जो पुराने वैद से नवल फल के पूरी हिस्ट्री कर देते बंदे की, तो आप हूँ नवे वैद है, आप नवे डायटिशियन है, आप नवी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, असं स्किन तो टैक्सचर तो नेल्स तो चैक कर सकते हैं, जी आ चीज़ हैगी है, ये बच्चा स्ट्रैस के विच है, ये बच्चा पढ़ता घट पे स्ट्रैस ज़्यादा है, या पढ़ भी रहा तो स्ट्रैस के नाल 99.2% नंबर आ रहे हैं, 99.25 क्यों नहीं आ रहे, देखो बताओ 0.05 का फर्क, ऐसे बच्चे जो होंगे ना जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जो बहुत सिंसीयर ने, जिन्होंने रिजल्ट नहीं मिलता, देखो एजुकेशन लैनी उन्हें पढ़ना तो उन्हें एग्जाम देना, हूँ जो PMT क्लीयर करते हो लास्ट बच्चा तो रह जाता है बेचारा PMT तो बाद, उस बाद कट ऑफ हो जाता है, जो बच्चा रह गया वो कोई कमी सी गल समझो मेरी, एक कॉम्पीटिशन आ गया अजकल,
कॉम्पीटिशन आ गया, मेडिकल दे विच भी हो कई चीजें अलग अलग तरीके दी आ गया, बच्चा होर कुछ भी कर सकता है। असि सारे ना सोचिए कि सब डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर दे नाल होर बहुत फील्ड्स हैगी है, पीएचडी इन जेनेटिक्स, पीएचडी इन सेल कल्चर, पीएचडी इन मतलब जो भी हर चीज दे विच बायोकेमिस्ट्री, बहुत कुछ आ गया चीजा लैक। बच्चे नूं तुसीं इहना सोचो कि डॉक्टर ही बनाना है, डॉक्टर दे डॉक्टर कुछ नहीं है, डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, उहदे पिछे जिहड़े जेनेटिक्स हैगे ना, जिहड़े बंदे बैठे ने उह फील्ड च काम करदे ने, ठीक है। आपां बच्चे दे ज्यादा स्ट्रेस ना दईए, असीं बच्चे नूं पढ़ाईए ते पढ़ा के उहनूं जो उहदी इच्छा हैगी आ उह काम करन दईए, उह इच्छा दे अनुसार रब उहनूं अपने आप अगे अगे कोई लाइन ते पा देगा। अगर तुसीं स्ट्रेस ठीक नहीं करोगे इह ठीक नहीं होणा, आ स्ट्रेस रिलेटेड हैगा, इहदा कोई हल नहीं है, स्ट्रेस ठीक करो। अगली चीज मैं दसदा तुहानूं, मैं जिहड़े कहिंदे ना वाइट नेल हुंदे आ, वाइट नेल इक ना थां थां ते वाइट वाइट माड़ा माड़ा आ जांदा, फिर बंद हो गया है। आ जिहड़े वाइट नेल हुंदे ने लैणा पैंदियां जिहड़ियां हल्कियां हल्कियां जिहड़ियां स्पॉट पैंदे ने, इह सट नाल वी पै जांदे आ, कोई चीज लग गई उत्थे वाइट हो गया, एक जिहड़ा क्यूटिकल हैगा है इह स्किन तों अलग हो गया, उह वाइट हो जांदा है, उह नेल वधेगा बाहर निकल जाएगा। एक ये है मिनरल जिंक, जिंक डेफिशिएंसी उन्होंने पहले समझाया, नंबर दो ते जो वाइट नेल हो जाता वो अलग चीज हैगी है, वो लंबी चौड़ी प्रॉब्लम हैगी है। जेहड़े आ थां थां ते वाइट वाइट ये आम लोगों के 100 दे विचों दी 60 बंदे च पाया जाता है, दैट इज जिंक डेफिशिएंसी। जिंक दे नाल साढ़े सारे हॉर्मोन दे विच ये को फैक्टर हैगा, टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन इन मेल एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल दे विच भी जिंक का बहुत वड्डा रोल हैगा, हॉर्मोन दे विच एक कैटलिस्ट है, को फैक्टर है, बहुत थोड़ी चीज हैगी है, यदि कमी होगी वो नहीं बनेगा, पर स्किन ते दा असर दिखता है, जिहदे स्किन दे उत्ते वाइट स्पॉट पैंदे ने वो स्किन दे असर दिखेगा। आ देखो तुसीं आ साइड ते देखो विच विच ये वैसे पैर दा है मेरा ख्याल, ये उंगलां विच भी पै जांदा, उंगलां दे विच भी ये चीजां ये वाइट स्पॉट दीआं पै जांदीआं ने। तुसीं एक चीज होर देखी होनी है कि इहदे नाखून ना बिल्कुल क्लब हुंदे आ, क्लब बिल्कुल कन्वैक्स है, टेढ़े इस तरह, ये बहुत घट है, मेरे को कई पेशेंट है जो दुकान पर आते हैं, बट दे आर ए सिमटोमैटिक शुक्र है, पर ये काफ़ी मेजर डिजीज नूं डिनोट करते हैं। आ वीडियो देखो तुसीं पहले, ये क्लब नेल ने, ये जिन्हां नूं ये प्रॉब्लम हैगी है, ये जिहड़ी प्रॉब्लम हैगी है ये हार्ट की किसी डिजीज नूं डिनोट करती है, ये लंग्स की किसी चीज नूं भी डिनोट कर सकती है, ये हार्मलैस भी हो सकती है, यूरिन नहीं है जिन्हों है चीजा हो पर ये सुस्पेक्ट हैगे हैं, चेक करवा लेन, अगर ठीक है तो आराम ना कर लिया, मैं डरा नहीं रहा तुम्हें, मैं एजुकेट कर रहा, ठीक है जी। अगर इन्होंने जिन्हों का आयरन कट है, अनीमिया, अनीमिया जो पेशेंट है, अनीमिक पेशेंट है, यह पक्का ही होंगे परमानेंट एनीमिक है ना, जो वादा ही नहीं है, या जो मैं देखा कि पीटा थैलसमिक ट्रेट जो माइनर ट्रेट है वह पॉजिटिव आते हैं, उन्होंने भी हो जाते हैं ये चीजा। तो बाकी कॉपर देखो सानू ना सारे मैटल्स की लोड़ होंगी है शरीर के, माड़ी माड़ी ज्यादा नहीं मिलीग्रामा के भाजी, ग्रामा च नहीं मिलीग्राम के, एक कड़ा पाना असी ग्रामा से लैना है, मिलीग्रामा की लोड़ होंगी है, वह भी नैचुरल फूड के, जेडे कॉपर कंटेनिंग फूड है वह ज्यादा खान, ये नैट सर्च मार लैन, तुम कहो तो मैं तुम्हें दस भी देवगा, इनबॉक्स कर देना। अच्छा मैं अगली गल करदा लास्ट 11वां नेल, वो हैगा हरा ग्रीन, देखो आ ग्रीन नेल है, ये ग्रीन नेल कित्थे हुंदा है, या तो ये बंदे ने किसी कैमिकल दे नाल, कैमिकल दे नाल छेड़छाड़ कीती है, या इनू कोई बैक्टीरिया हुंदा है सुडोनोमास, सुडोनोमास बैक्टीरिया हुंदा है ते उहदी इनफेक्शन हैगी है, या इन बंदे ने ओ गंदे स्विमिंग पूल दे विच स्विमिंग कीती है जिहदे विच क्लोरीन नहीं सी, अजकल स्विमिंग पूल होंगे ने शहरों के उसे क्लोरीन जा पाते हैं, इस वास्ते पाते हैं कि ये चीज़ा ठीक हो जाए, सारा कुछ सैनिटाइज हो जाए, जिसे क्लोरीन घट पाते हैं या गंदा बार बार नहीं पाते हैं वो वाटर खराब हो जाता है, तो उन्होंने ये प्रॉब्लम आ सकती है। हरा बिल्कुल देखो क्लीयर सी हरा स्पॉट पैंदा इतने, अगर ये स्पॉट पै रहा है तो समझ लो तुम या तो तुम किसी कैमिकल हथ लाया या स्विमिंग कर रहे हो तो उस क्लोरीन नहीं हैगी, या इनफेक्शन सुडोनोमास, सुडोनोमास की इनफेक्शन हैगी है, उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैगी है, वो असं तुम इस टाइम डायरैक्ट दस नहीं सकते, इनबॉक्स कर दो, कस्टमाइज ट्रीटमेंट होंगी है वो तुम दस सकते हैं बाद चो, ठीक है जी। उम्मीद है तुम्हें मैं जेडे 11 तरीके के नाखून दसे हैं, नाखून एक जेहे नहीं होंगे रंग बिरंगे नाखून है, नाखून नाखून थोड़ी न्यूट्रिशनल
मिनरल्स की कमी, तुहाडे विटामिन की कमी, तुहाडे डाइट की कमी, वो तुहाडे नाखून तो दिखती है। मैं दोबारा बोलता है, ये अपने स्किन तो दिखती है, अपनी जीभ तो दिखती है, अपनी अखा तो दिखती है, नाखून तो दिखती है। नाखून वाला काम मैं करता, बाकी जो पार्ट रह गए ने मैं वीडियो फिर दोबारा बनावांगा। ओके जी, संतोख क्लीनिक, संतोख गैट क्लीनिक वालों सत श्री अकाल, टेक केयर।